दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है ईपीएफओ की तरफ से। दोस्तों इस तरह की अपडेट हम आपको देते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। पेंशन का पैसा डूबने से बचाने के लिए ईपीएफओ सतर्क, नॉन बैंकिंग कंपनियों से निवेश वापसी की कोशिश। निजी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों समेत विभिन्न कारखानों और संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों की पेंशन और बचत राशि की संचालन करने वाली कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ एक बड़ा फैसला ले सकता है। ईपीएफओ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी एनबीएफसी में किया गया निवेश वापस ले सकता है। इसकी वजह है IL&FS और इसकी जैसी अन्य कंपनियों में निवेश राशि का डूबना या रिस्क पर होना। सूत्र बताते हैं कि ईपीएफओ DHFL में किया गया अपना निवेश वापस करने के विकल्प पर काम कर रहा है। हालांकि अंतिम फैसला ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी CBT लेगा। सरकार गठन के बाद नए मंत्री की अध्यक्षता वाली यह समिति ही तय करेगी कि NBFC से कैसे पैसा वापस लिया जाए। ईपीएफओ कर्मचारियों और नियोक्ता से जो अंशदान लेती है उसका एक हिस्सा पेंशन व दूसरा हिस्सा बचत के रूप में जमा होता है। ईपीएफओ पेंशन राशि को NBFC समेत अन्य पेंशन फंडों में लगाती है। NBFC से ईपीएफओ को ज्यादा ब्याज दर मिलती है। यदि निवेश वापस लिया गया तो ब्याज दर भी प्रभावित हो सकती है। इसका असर अंत में कर्मचारियों की पेंशन पे भी पड़ सकता है। नोटबंदी के बाद NBFC कंपनियों ने अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन अब यह धारणा टूट रही है इसमें किया गया निवेश जोखिम भरा हो गया है। इस महीने की शुरुआत में ईपीएफओ की वित्तीय निवेश और लेखा परीक्षा समिति यानी FIAC ने इस मुद्दे पर चर्चा की। NBFC द्वारा नया पब्लिक डिपॉजिट लेने और मौजूदा डिपॉजिट के रिन्यूअल से इनकार किए जाने के बाद दीवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी यानी DHFL के शेयर को बुधवार को तगड़ा झटका लगा। शुरुआती कारोबार में इसका शेयर 18% तक कमजोर हो गया। इसलिए चर्चा है कि सबसे पहले इसी कंपनी से ईपीएफओ अपना निवेश बाहर करेगा। एक सूत्र ने बताया कि ईपीएफओ द्वारा NBFC के डाउनग्रेड की निगरानी कर रहा है। किसी भी डिफॉल्ट और धन की हानि से बचने के लिए निवेश की समीक्षा की जा रही है। ईपीएफओ की पहली प्राथमिकता श्रमिकों की सेवानिवृत्ति बचत की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। IL&FS में ईपीएफओ द्वारा 574.73 करोड़ का निवेश किया गया। कंपनी के दिवालिया होने का प्रकरण चल रहा है, इससे ईपीएफओ का भी पैसा फंसा हुआ है। 31 मार्च 2018 तक ईपीएफओ का कुल ऋण कोष 9.78 लाख करोड़ था। तो दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है ईपीएफओ की तरफ से। ईपीएफओ ने नॉन बैंकिंग कंपनियों से निवेश वापसी की कोशिश शुरू कर दी है, और ईपीएफओ यह कदम इसलिए उठा रहा है ताकि आपके पेंशन का पैसा सुरक्षित रह सके। और दोस्तों अब आप लोग मुझे कमेंट करके अपनी राय बताइए आपकी इस मामले पर क्या राय है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए, और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।